जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ कि संदीप घोष ने घटना के अगले दिन रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था और इस जल्दबाजी को लेकर सवाल उठे। अब वो चिट्ठी सामने आ गई जिसमें सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन का आदेश घोष ने दिया था। बहुत सारे वीडियो वायरल भी हुए थे और सवाल पूछा गया था कि आखिरकार ये आदेश कहां से आ गया, अगर कोई कहीं क्राइम सीन है तो उसे पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं किया गया। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के अगले दिन ही संदीप घोष ने सेमिनार हॉल के आसपास के कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर, ये हम आपको चला भी रहे हैं, आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर, 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। अब TMC क्या कह रही है इस पूरे मसले पर, जरा सुन लीजिए। नहीं नहीं, के बाद ये हुआ है। ये क्या ठीक है या गलत है, इसका कोई रिलीवेंस है या नहीं है, ये तो CBI देखेगा। ये तो हम लोगों का गवर्नमेंट प्रोसेस में कुछ होता है तो वो ठीक है या भूल है, वो क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका कोई वो जरूरी है कि नहीं है, तो ये तो पॉलिटिकल डिबेट की बात नहीं है, ये CBI देख लेगा।